एक कार्ड तुमको निकाल के रखना पड़ेगा, एक ही में तो हो रहा है बी वाले में। आइए सर आइए। सर सर जी यहाँ पर सर यहाँ पे सर इधर इधर सर यहाँ पे सर सर थैंक यू चलो थैंक यू चल थैंक यू सर जी जी स्टूडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इस शाम को, इस दोपहर को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, कम ऑन। सो वेरी वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल फर्स्ट एवर लॉन्च इवेंट, फर्स्ट एवर टीजर लॉन्च इवेंट ऑफ जोरा 10 नंबरिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फिल्म हमारे लिए कितनी स्पेशल है, कितनी खास है, ये आपको इवेंट के साथ आगे बढ़ते बढ़ते पता चल ही जाएगा। सो बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग और कॉल अपॉन स्टेज एनी सेलिब्रिटी, कैन वी प्लीज प्ले द ट्रेलर ऑफ जोरा 10 नंबरिया। कम ऑन इन, गिव अ बिग हैंड एवरीवन, कम ऑन। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर ऑफ अ माइंड ब्लोइंग फिल्म। So ladies and gentlemen, without any kind of further ado, हम सब यहाँ पर जिस चीज के लिए मौजूद हैं, मैं उस सेक्शन को, उस पार्ट को शुरू करना चाहूंगा। We'd like to call upon stage, in front of the media, in front of all these beautiful cameras and media persons, the extraordinary star cast and the entire team of Jora 10 Numbaria. और सबसे पहले मैं जिन्हें यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, उन्हें बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। Ladies and gentlemen, ये वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने हमारे देश में स्टारडम शब्द का मतलब ही बदल दिया। ये वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से दुनिया भर में इंडियन सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। ही इज द सुपर हीरो नॉट जस्ट टू यंगस्टर्स लाइक मी, बट टू एन एंटायर जनरेशन एंड मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कॉल्स हिम द ही मैन ऑफ इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाएं एक स्टैंडिंग ओवेशन के साथ फॉर धर्मेंद्र जी, कम ऑन। धर्म जी के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कम ऑन। द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, द मोस्ट हम्बल लविंग, द डीसेंट मोस्ट सुपरस्टार दैट वी हैव, धर्म जी लेडीज एंड जेंटलमैन। कैन वी हैव अ माइक प्लीज, अ माइक्रोफोन। तेरी जीत का जश्न मनाने हैं, मैं कहता हूं जीत निश्चय है यार, तेरे टीचर देख के तो लग रहा है बहुत खूबसूरत है। धर्म जी, कैन वी हैव यू हियर? सो धर्म जी, आप
इतने साल के बाद भी, इतने सालों के बाद भी इस तरह का प्यार और पॉपुलैरिटी को देखकर आपको कैसा लगता है सर? हाउ डू यू फील अबाउट इट? पंजाबी फिल्म है इस करके मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, हिंदी बोलना ठीक रहेगा, चलो हिंदी में बात करता हूँ। मैंने अच्छा बनने की कोशिश की है, अच्छा कहलाने के लिए जोर नहीं लगाया, शायद इसीलिए लोग अच्छा कहने लगे हैं। जो भी हूँ, मैंने जोर कभी नहीं लगाया, कुछ उसने दिया कुछ मैं चल पड़ा बस, तो आज ये मुकाम हासिल किया भाई। हम धर्म जी से और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वी'ड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज द रिमेनिंग कास्ट दैट वी हैव प्रेजेंट आउट हियर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई प्लीज कॉल अपॉन स्टेज समवन हुज हैड न्यूमरस मॉडलिंग अकम्प्लिशमेंट्स एंड हैज आल्सो डिलीवर्ड अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस विद रमता जोगी। गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर दीप सिद्धू, द लीड एक्टर ऑफ जोरा दस नंबरिया। कम ऑन दीप सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू। हम आपसे भी बातचीत करेंगे। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा द कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, मिस्टर अमरदीप सिंह गिल। जोरदार तालियां हो जाएं, कम ऑन। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समवन हैज टू से एनीथिंग? ऑलराइट लेडीज एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मे आई प्लीज कॉल अपॉन स्टेज नन अदर देन मिस्टर आशीष दुग्गल। ये हमें दो दशकों से एंटरटेन कर रहे हैं विद हिज एक्टिंग एंड प्रोडक्शन स्किल्स। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग सच अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर। ब्यूटीफुल सर। डू वी हैव मुकेश सर हियर? इज ही ऑलरेडी हियर? ऑलराइट, सो मे आई प्लीज हैव गोल ऑन स्टेज? कूल, आई एम सो सॉरी। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। ऑलराइट, नाउ दैट वी हैव द एंटायर टीम ऑफ जोरा दस नंबरिया ऑन स्टेज आउट हियर, एक बार बातचीत करने से पहले जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए, कम ऑन। All right, so I'll begin with the lady first, Kul ma'am. How was the entire experience of yours with this film and the entire journey? पहले तो आप सबका welcome, क्योंकि आप सबके साथ हम लोग होते हैं, आप हर जगह पहुंचते हैं और फिल्म के बारे में लिखते हैं। ये हमारी अपनी फिल्म है, जैसे बठिंडे वाले बाई फिल्म्स, तो मैं भी बठिंडा से हूँ, हमारे डायरेक्टर सर भी बठिंडा से हैं और दीप सिद्धू जी भी बठिंडा से हैं, तो मोस्टली हमारी टीम में बठिंडा वाले बहुत हैं, तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने यही सोचा कि बठिंडे वाले बाई फिल्म्स। और मेरा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी कास्ट है इस फिल्म की, तो इतनी बड़ी कास्ट का हिस्सा होना बहुत खुशी की बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और इतनी बड़ी कास्ट का हिस्सा हूँ। थैंक यू। फैंटास्टिक, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, कम ऑन। अमरदीप सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितना खुशी और गर्व का महसूस अनुभव कर रहे हैं इस वक्त, आपकी फिल्म इतने बड़े पैमाने पर आज उसका टीजर लॉन्च हो रहा है, इतना मीडिया आया है, देयर सो मच ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड, हाउ डू यू फील? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ये बता नहीं पा रहा, वैसे मैं राइटर हूँ, बता भी जाऊँगा। मगर बात इतनी सी है, क्योंकि मैं जिनके साथ बैठने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, तो एक बात है, एक ही मिनट में ख़त्म हो जाएगी, कि मैंने जब ज़िंदगी में पहली बार फिल्म देखी थी, मुखा सिद्धू मेरे भ्रा बैठे ने पुखराज सिनेमे दे विच, बठिंडा में पुखराज थिएटर है, एक सिंगल स्क्रीन थिएटर रह गया वो, तो उसमें देखी थी शोले 1975 में, जब मैं 9 साल का था, तो मैं अपने पिताजी के साथ गया था, जब फिल्म नाम जानता था मैं धर्म जी का, मगर उनको पहली बार देख रहा था, तो जब वो पहला ही डायलॉग आया कि थानेदार साहब आप कभी दौलतपुर थाने पर भी थे। तो मैं, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो गया, और जैसे जैसे फिल्म चलती गई, जय वीरू और गब्बर और ठाकुर सभी मेरे अंदर बैठते गए 9 साल की उम्र में, तो मैंने अपने पापा को बोला कि ये फिल्म कौन बनाता है, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर बनाता है, ये रमेश सिप्पी जो लिखा है उन्होंने बनाई है। मैं उन्हें बोला कि ये लिखी किसने है कहानी, ये जो बता रहे हैं बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सलीम जावेद, ये जो नाम लिखे हैं
वो पहले राइटर थे जिनका नाम पोस्टर पे आता था, तो मैंने सोच लिया था, मैं अपने पिताजी के साथ साइकिल पे घर गया, तो मैंने ये सोच लिया था कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम करना है, फिल्म बनानी है। बहुत बरस बीत गए, बहुत साल बीत गए, मेरी दाढ़ी, मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जब पहली फीचर फिल्म मैं लेकर आया तो उसमें धर्म जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मेरा काम पसंद आया, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया पूरी टीम को। और सबसे बड़ी और सच्ची बात यह है कि ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई दीप सिद्धू के कारण हुआ है। वो ना जाने कैसे हमारे ही शहर के रहने वाले हैं, हमारे ही साथ में उनका गांव भी है, मगर बात अजीब ये है कि हम बठिंडा में कभी नहीं मिले, हम यहाँ आकर इतनी दूर मिले। अगर दीप सिद्धू मेरा भाई मुझे ना मिलता तो ये फिल्म कभी बन ही नहीं सकती थी, ये हो ही नहीं सकता था। बठिंडे वाले भाई फिल्म कभी नहीं बन सकता था, बैनर और इस तरह की फिल्म जो, ये सिर्फ और सिर्फ दीप सिद्धू, हमारी टीम जो है उनकी वजह से बनी है। सनी इंदर बावरा जो हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक वाले हैं, जो सोनी सिंह डीओपी है हमारे सिनेमाटोग्राफर, जो हार्दिक हमारे एडिटर हैं, और मेरी पूरी टीम, मेरे भाई सिमर नव और जो भी हमारे सारे ही बठिंडे वाले हैं। बठिंडे वाले अब हमने एक ऐसा ही बना लिया कि जो काम करते हैं ना जुनून के साथ, वो सब बठिंडे वाले ही हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। अब बहुत, मैं देख रहा था आप बात करते वक्त काफी भावुक से हो गए थे सर। पहली फिल्म हमेशा हर इंसान के लिए बहुत स्पेशल होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फर्स्ट फिल्म, जोरदार तालियां हो जाए अमरदीप सर के लिए। और क्योंकि सर आपने शोले की बात करी तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली माय फादर इज अ ह्यूज फैन ऑफ शोले एट द सेम टाइम, मैंने अभी धर्म जी को बताया कि वो हर फिल्म उनकी 4-5 बार देखते थे, तो आज भी शोले जितनी बार भी टीवी पर आती है या री रिलीज थिएटर्स में होकर लग जाती है तो मेरे पापा अभी भी मुझे ले जाते हैं। वी गो इन टू द थिएटर्स एंड वॉच इट विद द सेम एंथुसियाज्म लाइक एवर बिफोर। तो एक बार शोले के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऑलराइट, नाउ वी विल हैव अ चैट विद दीप सर, द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म। सो दीप सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि लोगों का सपना होता है, ड्रीम रह जाता है कभी कभी, कि अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार कोई एक्टर धर्म जी के साथ एक सीन में फीचर हो जाए या एक बार इंटरेक्शन हो जाए। आपकी दूसरी फिल्म में आपको ये मौका मिला है, हाउ ब्लेस यू फील, आपको कैसा फील होता है अबाउट दिस एंटायर थिंग? गुड आफ्टरनून एवरीवन, फर्स्टली थैंक्स फॉर कमिंग, इट्स एन ऑनर टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, इट्स नेशनल मीडिया, आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड, एंड यू नो वी फेस पंजाब मीडिया फर्स्ट एंड देन दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ सच टैलेंटेड पीपल, सच इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट पीपल, इट्स एन ऑनर एंड आई मीन इट। Then to actually to sit next to him, right? I mean, I don't know, I don't have words for it, it's beyond that. I mean, I'll be a little emotional about it, but he's such a wonderful human being first, and then such an amazing actor that I look up to, and I learn so much from him, I mean, in life as well. So it's an honor, that's what I can describe this as. Beautiful, so sir, beautiful. Thank you so much. So sir, Deep sir, agar aap, if you would like to narrate any incident when the first time you faced Dharam ji or you were shooting with him, wo aapka experience aur kaisa tha, aap kitne nervous the ya excited the, how was the entire emotion and feeling? I mean, not exactly when I faced him when we started acting, but when I met him for the first time. I was practicing as a lawyer, I actually am a qualified lawyer. So that's how I started my life, and I was aap seedhe Jora ban gaye. Yeah, I mean, but always had an inclination towards entertainment and creativity, and that's what always pulled me. And the man here, he actually has been worshipped in Punjab. I mean, I don't know how many of you come from that part of the world, but for us to be next to him, it's something which I can't still believe. He's actually been worshipped, and I also worshipped him when I was there as a kid, and then I was growing up, and for the first time when I met him, he'd come for Punjab government function, that was in JW Marriott, Bombay, and I was there
as a lawyer, I was invited to. So I saw about 50, 60 people when he came running towards him, literally charging and running towards him. I mean, any other normal human being would have got scared. But he met everyone. He met each of every, whosoever had come. And then I did not go up to him because I was just watching and I was just looking. And then for the first time, I was seeing Dharamji, and that too in person. So I didn't go up to him. And I was like, I was waiting for my turn probably one day, and when I'll be introduced and I'll go and meet my hero. And then as destiny had it, and then, you know, I mean, I'm actually so close to him, became his family, and he's so kind and he's so encouraging. And it's, when we started making this film, we had no money. So today, sitting in front of you guys, and you know, when we look back, the journey we actually had, we only had him. Trust me, we only had him. Everything fell in place. And he's there to bless us. I mean, I mean every word of it. Thank you so much. How sweet, sir. It's a beautiful incident that you just narrated. There are actors in this industry. Absolutely. 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 See, it's very inappropriate at times to talk about a person and he's sitting next to you. I mean, generally it is not, even in his absence, I mean, the other day we went for a function, and whenever I go with him, I go as a bodyguard so that, you know, I be with him, and then that's my job. And that's what actually I do, probably. And I'm his bodyguard when I'm with him. In fact, I'd like to add to that. Keeping people little away, but he meets everyone. He is my bodyguard, but I guard him. So, and Karina mentioned in that function, and she said that there are actors that they become actors because of him, and that was such a wonderful compliment given. So, absolutely, I agree with every word you said. Thank you. In fact, sir, आपने ये तो हमारे fans के incidents हो गए. मैं धर्म जी को एक incident बताना चाहूँगा. एक बहुत ही popular television show पर अमित जी host कर रहे थे उस TV show को, और मैंने उस पर एक छोटा सा segment किया था 20 minute का. तो हम लोग backstage बात कर रहे थे. We were talking about that, and हम शोले के बारे में बात कर रहे थे. And अमित जी was like, शोले जो है आज, वो धर्म जी की वजह से है. If शोले has become something, it's because of धर्म जी. तो वो सुनकर मुझे इतनी ज़्यादा, I was so excited to be here today, see you, meet you, talk to you. That is why, like an excited fan, मैंने आपके साथ आके immediately photo खिंचवाई. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जीते रहो, बहुत प्यार आपको. आप सब जो मेरे लिए कह रहे हैं, इन्होंने कहा, दीप ने कहा, ये बच्चा कह रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस काबिल हो गया हूँ या उसने मेरी कुछ मुझे इस काबिल बना दिया है. मैं तो आज भी वही, ज़िंदगी दरअसल एक हमेशा एक स्ट्रगल है, और ख्वाब देखना हर एक आदमी का अपना हक है, हर इंसान का अपना हक है. मैं अभी आज भी ख्वाब देख रहा हूँ, और आज ये भी मुझे एक ख्वाब लग रहा है कि मेरे लिए इतने प्यार से लोग बोल रहे हैं, ये सचमुच हो रहा है या क्या मैं वाकई. तो ख्वाब सी लगती है, जैसे हमारी एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था ज़िंदगी ख्वाब है, सच है क्या, झूठ है क्या, पता नहीं चलता. नहीं, लेकिन यकीन करना पड़ता है कि हाँ भाई, मेहनत का फल मिला है, और इतना मीठा फल कि मिठास का टेस्ट ही जाता रहा. बिग हैंड एवरीवन, बिग हैंड फॉर धर्म जी. इतना प्यार आप करते हो, मेरे ख्याल से मैं 200-400 साल और जीऊँगा. बहुत प्यार आपको. ये फिल्म आपने टीजर देखा जो, ये मुझे तो पता भी नहीं लगा, ये बच्चे ने मैं कब देखा कब नहीं मिला, ये मेरा बेटे जैसा है, पता ही नहीं चला ये कब देखते देखते कैसे अपना हो गया. कहते हैं कि मोहब्बत हो जाती की नहीं जाती, इसी तरह हम खुल मिल गए. पता भी नहीं चला कब मैं मिला था इनसे, कब उसका आना जाना शुरू हुआ. तो इसके अरमान हैं, हर अरमान करने वाले की मैं कदर करता हूँ. इसके दिल में बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, क्यों नहीं, हर किसी के होते हैं. और ख्वाब देखने वालों को अगर साथ दे दो तो उसको बहुत हौसला मिल जाता है.
ख्वाब हर कोई देखता साहब, उनका साथ नहीं देते लोग. हमने भी ख्वाब देखे थे जब, तो हमारे साथ जो जो जुड़ा था मैं आज तक भूला नहीं. तो ये ज़िंदगी है, इसमें ख्वाब देखना हर एक का हक है और उसके साथ देना हमारा फ़र्ज बन जाता है. जहाँ तक बन पा रहे आप ज़रूर करो. आई एम बॉर्न टू गिव एंड आई गेट ऑलवेज बैक मोर देन दैट. तो मैं तो हमेशा कुछ लिखता भी रहता हूँ. कोई मुस्कुरा देता है मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा देता है मैं सीने से लगा लेता हूँ, और कोई सीने से लगा लेता है मैं दिल में बसा लेता हूँ. बस यही है मेरा रिश्ते, ये मेरा अंदाज है, ये मेरी ज़िंदगी का चलन है. उसी वजह से जो मैं हूँ आज, उसी वजह से हूँ.